बड़े भाई ने दिया था। ये वाली बेडशीट मेरे को प्रीति ने दी है, और इसके साथ ये जो मैं लेके आई थी ना पिल्लो स्पेक्ट्रा प्लस मेमोरी फोम वाले, ये वाले इसके साथ इस पे कवर लगा के ये रखूंगी अब यहाँ पे। और ये है ऊपर वाला रूम जो कि बहुत सुंदर तरीके से लग रहा है अब, क्योंकि इस पे आज कितने दिनों बाद ये वाली बेडशीट, मतलब कॉटन की बेडशीट की जो ग्रेस होती है ना, वो इतनी गर्म बेडशीट की भी नहीं होती, इतना सुंदर लग रहा है। और जो वो ग्रे वाले पिल्लो है ना जो मैंने लिए थे, वो मैंने ये पे लगा दिए, सुंदर लग रहा है पूरा रूम अच्छा सा। आखिरकार मैंने ये वैक्यूम ढूंढ ही लिया, अब मैं इससे फटाफट से करती हूँ बेड को साफ। वैसे मैंने ब्लैंकेट पहले भी छा लिया था लेकिन ये मेरे को मिला नहीं था, अब मेरे को ये सारे इसके कॉर्नर थोड़े साफ करने, बहुत सुंदर तरीके से इसको सजा। थैंक यू सो मच, आज इनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी लेकिन मेरी हेल्प करने फिर भी आ गए। हम आए थे बाहर कुछ टाइम के लिए और उसमें मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरे को ऐसे अजीब सा ही फील हो रहा है, थोड़ा सिर भी हैवी हैवी है और बाबा ऐसा लगता है कि तबीयत मतलब खराब है, तो ये मेरे लिए जूस बनवा रही है अब मैं तो। उसके पहले मैंने क्या खाया, चने वाला बन भी, लेकिन फिर भी नहीं, फिर इन्होंने बोला कोई बात नहीं तो जूस पी ले, स्पेशल मुड़ के आए हैं, नहीं तो हम घर जा ही रहे थे। थैंक यू, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आते पी थी चाय, और आते टाइम मैं दीदी के लिए लेके आई क्योंकि मैंने तो बाहर से खाया था, अब दीदी के लिए भी तो कुछ लेके आती है, तो वो भी बच्चे ही ना, तो मन तो उनका भी करता है खाने को, तो उनके लिए लेके आई फ्रेंच फ्राइज और गोभी का पकौड़े, तो वो गोभी का पकौड़े मम्मा ने खा लिए। अभी मम्मा को इतना बोल देना मम्मा मत खाया करो ये सब चीज़ें, बट मम्मा खा लेते हैं, मतलब मम्मा को टेस्ट के लिए ओके है लेकिन ज़्यादा नहीं, डर लगता है बीच बीच में। तो उसके बाद फटाफट से किचन साफ किया, अब मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं टोटली थक चुकी हूँ। हमारी टोटली किचन क्लीन हो गई है, इसमें सब्जी जो बच गई वो रखी है और इसमें रोटी बना के रख दी है, जब दी का मन करेगा वो खा लेंगे और इनका भी मन करेगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब हुआ और उसके बाद मेरे को फीवर आना शुरू हो गया। एक्चुअली मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया था इमली और ड्राई प्लम डाल के, उसको पूरा भिगो के सुबह उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के वो पिया दो दिन, तो इमली मेरे को सूटने की और गले खराब होने की वजह से मेरे को फीवर हो गया। लेकिन आज अंचल का भी सिर दर्द कर रहा है, गाड़ी में गए थे तो उसने शीशे उतार रखे और उसको सिर में दर्द होने लगी ठंड की वजह से, तो मैं उसके लिए ना चाय बना रहा हूँ। कहती मेरे को अदरक वाली चाय पसंद है लेकिन मेरे को इलायची वाली, तो मैं उसके लिए अदरक भी स्पेशल लेके आया, मैंने कहा चलो आज अंचल को ना अदरक वाली चाय पिलाते हैं, एक कप ही बनाना उसके लिए, थोड़ा सा उसमें अदरक डाल लेते हैं। जब भी हम लोग अपने घर पे चाय बनाते हैं ना, ये वाली पत्ती जो वेस्ट बची होती है ना, हम इसको फेंकते नहीं है, हम इसको रख लेते हैं, हम इसे अपने पेड़ पौधे में डालते हैं, जैसे हम लोग गुलाब में डालते हैं ना। काफ़ी लोग सोचते हैं कि आपको गुलाब पे इतने फूल कैसे आते हैं, तो यही राज है कि गुलाब के फूलों का ज़्यादा आना हम लोग पत्ती जो है उसमें डालते हैं, ये उर्वरक का काम करती है, खाद का काम करती है। तो ये बनाई है चाय मैंने आंचल के लिए। चल लो चा, मैं सारे बर्तन करके आ जाओ दीदी। क्या हुआ? इलायची, मोटी इलायची, इलायची अदरक डाल के बनाइए। अच्छी बिरयानी चल जाए, बहुत अच्छी अच्छी है ना, अब तेरे सिर दर्द हट जाएगी इससे। आई होप। मैंने खाना भी नहीं खाया। खाना क्यों खाएगी, बर्गर खाया था, पकौड़े खाए थे, भूख नहीं लगी है, बोल की भूख नहीं लगी मेरे को। चल पी चाय, आराम कर, गुड नाइट। ये देख क्या है? अच्छा बैग आ गया, इतनी जल्दी आ गया ये। हाँ। My audience,
गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून दोनों चीजें मिक्स है क्योंकि 12 बजने वाले हैं। हाँ जी अब हम निकल रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे है फंक्शन क्या बोलते हैं उसको यानी सगन भी बोल सकते हैं उसको, तो वो इनके फ्रेंड्स भी हैं और यहाँ पे नेबर भी हैं, तो फटाफट से हम रेडी हो चुके हैं, दीदी भी अभी आते हैं तो फिर हम निकलते हैं। वो डाल के हम स्कूटी पे आए आज और मैं तो गहने भी डाल के आई हूँ दी भाई, अंकल वापस वापस तो टर्न करना ही पड़ेगा। म्यूजिक की आवाज यहाँ तक तो आ रही है, हम जा रहे हैं घर वापस। और दीदी की ठंडी होगी चाय बिल्कुल, मेरी वीडियो मैंने फार मेरे से आगे आ गई और मैं उनके पीछे पीछे वापस घर। मैं चेंज करूंगी सबसे पहले क्योंकि मेरे को एक तो ये देखो ये है सिंगी के हाल हर टाइम, अब मैं इसको ना गोल्ड वाली चेन में डाल दूंगी। सांस तो लेने दो ओके ओके ठीक है ले लो। अब पूछो क्या हुआ, सांस नहीं आ रही थी बाकी। हाय रब्बा आ रही हां अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। मैं कॉफी लेके आई हूं, चार्जर लेके आई हूँ और पानी की बोतल में भूल के लेके जाना, वो लेके जाऊंगी। हाँ ग्रे ब्लैंकेट लेके आए, हाँ चलो मुझे लगता पतले हो जाएंगे और भी अच्छी बात है ना, है ना। कल से अपना वेट चेक करना शुरू करेंगे ना। आप तो ठीक हो, मेरे को आप तो ठीक लगते हो पूरे। हाँ मैं भी थोड़ी हेल्दी लगती हूँ फेस, ठीक है तुम भी ठीक हो बट ये सामने से देखते हो थी। आप बताओ फोन में ज्यादा लगती हो या फोन में से लगता है कि आंचल थोड़ी हेल्दी है बट है नहीं है ना। कसम से फोन में से लगता है उधर को देखना साइड फेस दिखाना। हाँ जैसे साइड फेस दिख रहा है ऐसी हो तुम। हाँ बस इतना ही बहुत है, बाकी जो मर्जी बोलते रहे। नहीं सच में तारीफ की बात नहीं, सच में ऐसे लगता है इतनी पर आंचल के बाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। क्या करे कॉफी 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 तो चाहिए, इससे तो कॉफी बनानी है। कॉफी तो गई, हर चीज संभाल संभाल के रखते हैं। हाँ अपनी गर्मियाँ ये बड़ा है ना पंगा ऊपर नीचे का बस है ना, ये मैं वॉश करके फिर लेके जाऊंगी ना। थैंक यू दी आपने खाना बना दिया, हम सबने मिलके बनाया है। मिलके ही है बट रोटी तो आपने बनाई ना, थोड़ा सा रिलीफ लगता है कि एक बंदा ये कर ले एक बंदा वो कर ले। उतने में मेरे अकॉर्डिंग मैंने आधा घंटा रेस्ट ले ली थी है ना, अच्छा तो एक्टिव हो गया। हाँ मैं रेस्ट कर सकती हूँ शायद हम ऊपर चढ़ेंगे और ये तो दीदी ने पूरा सेट वगैरह कर ही दिया, अरेंज कर दिया, ब्लैंकेट वगैरह भी रख दिए, तो देखते हैं क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही हो दी। वीडियो बना रही हूँ, ओके आपने तो बोला था सिर्फ कॉफी बनानी है, आप फुलियाँ बोलते हैं, हम इसको पापड़ बोलते हैं। हाँ हम इसको पापड़ बोलते हैं, फुलियाँ ये पता किसको बोल रहे हैं, जो तेल में तलने वाले छोटे छोटे पापड़ होते हैं ना ये उनको फुलियाँ बोलते हैं। मैं वही बोल रही हूँ, हम पापड़ बोलते हैं। हाँ हम उसको फुलियाँ बोलते हैं। अच्छा तेल भी रख लिया ना, बोलते हैं आज हमारा दूध भी ऊपर है, ऑलमोस्ट हमारी किचन सेट हो गई है। बस अब कंटेनर्स में रखने वाला रह गया ना सामान, दाल वगैरह हो जाएगा सब सेट करूंगी और कुछ सामान मुझे बेड में से निकालना है। फिर उसके बाद मिल जुल के हो जाएगा दी। हाँ बड़ा अच्छे एकदम। अभी हम दोनों बना रहे हैं, मैं फुलियाँ बना रही हूँ और आंचल बनाएगी कॉफी है ना, चीनी डालनी पड़ेगी। हाँ चीनी चीनी ये देखो चीनी पत्ती वाली भी चीनी है। थोड़ा तेल हमने ज्यादा गर्म कर लिया, ठंडा होगा फिर हम करेंगे। और ये आंचल का व्लॉग है और इसमें मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम दोनों इकट्ठे इनमें सारा काम कर रहे हैं, ऊपर भी हम कुकिंग करते हैं नीचे भी, बट कुकिंग का नीचे रहता है ऊपर हमारा ज्यादा असर चाय बनती है, चाय बन गई या फिर चाय बन गई दूर गर्म होता है बस, बाकी कुछ नहीं। और हम बनाएंगे अभी कॉफी, साथ में हम खाएंगे फुलियाँ। तो आंचल हमारी कॉफी को बीट कर रही है मलाई के साथ, नहीं तुमने डाले नहीं चीनी इसमें शायद डाले हुए। चलो हम बनाएंगे फुलियाँ यार, हम धीरे धीरे करके ना आंसर जो जो चीज निकलती रहेगी हम उसका डब्बा हम लगाते रहेंगे। और आपको शायद आवाज नहीं आएगी, बाहर चल रहे हैं गाने क्योंकि डीजे नाइट है आज और हम अंदर अंदर डांस कर रहे हैं, नहीं जाए हमारा मन नहीं करेगा क्योंकि मुझे पैर तो जाए। हाँ यार देखो जैसे जैसे सामान दिख रहा है वैसे वैसे मैं डब्बा निकाल रही हूँ।
चलो अच्छे से चलने देना उसको। और ये मैं सोचना कि हमने कितना कम ऑयल डाला। बन गया अंजल फुलिया है, पापड़ है, पापड़ नहीं फुलिया, सॉरी फुलिया होती है। आगे पंजाब की पापड़ और हिमाचल की तरफ से ये फुलिया खा लो। मैं पूछूंगी तो सही आपसे सबसे पहले कैसे वांजल खा के कैसी बनी है, तुमने तुमने बनाई है वैसे तो बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज्यादा मेहनत की मैंने, इसको बस तेल में डाला। बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को ये फुलिया, देखती है और लेंगे क्रिस्पी सी। ये तो हर कोई खा सकता है थोड़े थोड़े, कभी कुछ ना शाम के टाइम स्नैक्स का टाइम। हाँ रोज नहीं, कभी 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 जी, बहुत ज्यादा। तो ब्रदर जागरण ही करेंगे सारी रात। ये हमारा गुल चुका है, अगर मीठा कम हुआ तो डाल लेना और। हाँ इसमें मैंने नहीं डाला, इसमें डाला सिर्फ। हाँ इसी में डालना था, वैसे भी इसमें ज्यादा लगता नहीं है, मतलब कम ही डालो तो काफी जाता है। आओ आप भी कॉफी पी लो, गर्मा गर्म कॉफी। वैसे तो बहुत गलत टाइम पे पूछ रही हूँ, अब रात का टाइम है, मैंने खाना बहुत कम खाया था और मेरा कॉफ़ी पीने का मन था, तो मैंने दीदी को बोला दीदी आज चाय छोड़ दो, आज कॉफ़ी पीते हैं। और ये और मम्मा गए हैं सामने, जो मैंने आपको बताया था आज डीजे नाइट ऑन की, तो वहाँ पे गए हैं, तो हम उतनी देर में पियेंगे कॉफ़ी। आज जाने का मन भी नहीं कर रहा था मेरा, तो सबसे पहले मैं कॉफ़ी आपको पूछूंगी। यार ऊपर वाले घर में भी एक मन सा लग जाता है, ये ऐसे नहीं पूछती यार, बट ये बहुत स्ट्रांग होने वाली है। दीदी को मैंने बोला दीदी ये स्ट्रांग है, मेरे को प्रीति दी के साथ सिस्टर इन लॉ वाली वाइब ही नहीं आ रही कि वो मेरी ननंद है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मैं अपनी कजन्स के साथ हूँ या अपने भाई बहनों के साथ हूँ, वैसे सेम फीलिंग है। और ये नहीं कि मैं यहाँ पे ऐसे आपको बता रही हूँ, वैसे ही है, मतलब मैं टोटली आप सोच सकते हैं मैं अपनी ननंद के पास ही रहती हूँ। तो ये बताओ अपना घर, अपना रूम कैसा लगा? ऊपर वाला हाँ बहुत, और पूरा क्लीन किया हुआ, पूरा क्लीन। अब इसको और भी हम चेक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और करेंगे आराम आराम से, आप देखना। और ये जो बॉन्डिंग अब दिख रही है ना, ये लास्ट तक ऐसे ही दिखेगी आपको, और बस नजर मत नहीं लगी। अरे कॉफी इसमें नहीं डाली सारी है, अब इसमें डालो दीदी, आगे देखो कितनी स्ट्रांग लग रही है। ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, मतलब दूध इसमें डालते हैं और मिक्स कर देते हैं, अच्छी बनती है। हाँ बट देखो स्ट्रांग होगी और मीठा कम होगा, देखना मीठा कम है ना। ठीक है मीठा, हाँ अच्छी। इसका कवर एवरीवन, आज की सुबह वैसे तो ऊपर से, मतलब ऊपर वाले रूम में सो के हुई है, लेट भी उठे क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे हम, मतलब ऐसे बातें वगैरह होती रहती है और थोड़ा घूम फिर लिया ऐसे, मतलब ऐसे टाइम निकल गया। और रात को हम 1-1.30 बजे सोए और सुबह उतनी ही लेट उठे, मतलब सुबह हम उठे हैं 9 बजे के पास। तो अब फटाफट से खाने की तैयारी करते हैं, सब्जी तो वैसे बनी हुई है, अगर किसी को कुछ और खाना है तो वो बनाती हूँ, ये नहीं खाते, ये नहीं, ये खाएंगे शायद, क्या खाएंगे अभी तो पपीता इनको दूंगी सुबह सुबह, किसी ने कमेंट ऐसे किया था। हाँ जी दी ये देखो, मीका सूट निकाले आंसर, क्योंकि जो मैंने वाइन वाला सूट पहना है ना, मैंने गौर से देखा ये तो थोड़ा इस पर लगा हुआ है कुछ, मतलब मैंने एक ही पहना है शादी के दिन में, इस पर कुछ गिरा हुआ है मम्मी, कुछ ना कुछ देखो इस पर कुछ ना कुछ गिरा हुआ है, लग रहा है कि थोड़ा गंदा यार, ऐसे खुलेगा ये लोग तो नहीं लगा इस पे। हाँ ये नहीं खुल रहा, करना लो ये लगा हुआ है, बिंदु कर लेगा। हाँ हाँ ये ऐसा बैग है मम्मी का, चलो जी खोलो 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 खोलो। अरे वाह मम्मी, ये प्रेस करना पड़ेगा अंजलि, इसके ऊपर में देखो ऊपर है कोई, मम्मी ऐसा सूट से मेरे पास भी है मम्मी, ये देखो आपका लोअर पहनने वाला, हाँ इसमें से पहले, हाँ ये पहन लो, ये पहन लो, गर्म भी है ना, दे ये भी, ये वाइन मिल गया मम्मी का, वाइन वाइन पहनने का मन नहीं। आंचल तुम क्यों करोगे प्रेस, तुम नहीं चाहते आंचल के कपड़े, अम्मी आप चाहते हो? हाँ प्रेस धुल के एक बार ना, हाँ हाँ क्योंकि आंचल सारे कपड़े हैंगर में रखो ना, कभी भी जाने आने, कभी भी कुछ हो। आज दीप बोल रहा है कि देखते हैं शायद हम घूमने जाए, शायद वही ना फिर घूमने में निकल जाएगा। मेरे को ये था कि आज ये कपड़े सेट करते हैं, इसमें हमने सारे जो कपड़े धोए थे ना वो इसी में रख दिया, अभी ये सारे तय लगा के इसको फटाफट से अपने, पहले तो पेट पूजा फिर काम वही करने लगे, पोहा बना रहे हैं ये। हाँ
चला जी मम्मी का। अच्छा बैग है ना मम्मी का, ये मम्मी को प्रिया दिन दिया है। उनके पास ब्लू है, स्काई ब्लू है, और ये है मम्मी का ग्रे। क्या कलर है? ग्रे ही है, डार्क ग्रे। डार्क ग्रे क्या मम्मी? अभी नहीं, आज तो मौसम बिल्कुल खराब है, कपड़े धुल के स्मेल पड़ जाएगी, सूखेंगे नहीं। हस्बैंड काम कर रहा है, सासू माँ अमरूद खा रही है, आंचल और मम्मी अमरूद खा रहे हैं। और आज ये बोलते मैं डाल दिया पानी। पोहा बन के रेडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बन गया। आप प्याज ऊपर डालोगे ना उसके ऊपर? क्या हो गया आपको? मेरा भी अपडाउन ही होता है, 5-6 किलोमीटर ऐसे हो जाता है। हुई हूँ ये कैमरे में तो मैं नहीं लगूंगी, फिर भी चेक करना मैंने किया ही नहीं। रेडी है और ऊपर डालने वाले प्याज धनिया नींबू सब रेडी है, और हमारी दीदी भी रेडी है। प्याज इसमें डाल के मिक्स कर देता हूं सारा। शेफ कितने पैसे? 1 प्लेट ये मिलेगा आपको 75 हूँ ना, 60 से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगी मैं। क्या? मैं पीने निकाल दूंगा। निकालने में तो मेहनत लगनी थी।